सो गाइस, ये वो दिन था जिस दिन हमारा बर्थडे था और मिस्टर राज एकदम ज़्यादा खुश थे उस दिन। ये दो दो केक भी लाए हुए थे कि इसका बर्थडे एकदम अच्छे से मनाया जाएगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे को बहुत ज़्यादा चढ़ा रहे थे ये सुबह सुबह एकदम 4 बजे। और गाइस, इनका प्लान था कि रात को 12 बजे केक काटा जाएगा, लेकिन दोनों केक ऐसे ही फ्रीज में पड़े ही रह गया और 12 बजे हम लोग सोए ही रह गए। मिस्टर राज तो एकदम रात में नींद बेच कर सो गए थे और मैं जग कर भी क्या करूँगी, जो सरप्राइज देने वाला था वही सो गया था। तो फिर रात को 12 बजे कटने वाला था वो सुबह के 4:30 बजे कट, 4:40 हो चुका है, 5:30 तक कटेगा। सो अब ये जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अभी? अभी तो जाके मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, ये मम्मी पापा से आशीर्वाद लेंगी। नहा करके अभी आई है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मम्मी का आज फास्ट भी है। जी, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मम्मी का फास्ट भी था, जीवतिया का। तो मम्मी फास्ट थी और मैं रात में केक भी नहीं काट पाई, इसलिए जब मैं सुबह 4 बजे केक काटी तो मम्मी केक भी नहीं खा पाई और हम लोग ऐसे ही 4 बजे हैप्पी बर्थडे मना रहे थे। कर चुका हूँ, मेरे को अब वो थ्रोट पेन ना हो जाए। एक सेकेंड, मैं बोला कि वो थ्रोट पेन ना हो जाए इसलिए आप लोग जल्दी से नहा लीजिए फटाफट। तो ये बोलते कि ठीक है, छुप रही छुपम छू। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले मम्मी पापा के पास, बर्थडे विशेस को कैसे मिलता है, लेट्स गो। और गाइस हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो एक कॉलेज का रिवाज था कि जब बर्थडे हो तो बर्थडे बॉम यूं देना पड़ता है। बर्थडे सोते हैं ना, इतना नींद मिलेंगे कि मेरे बर्थडे के दिन देख यार, अपने बर्थडे के दिन मुक्का नहीं खाएगी। ओके चलते मम्मी पापा के पास, लेट्स गो। मम्मी पास जाना है, बस जाने के पहले तेरे से बड़ा नहीं चलनी, कदम बढ़ा कदम बढ़ाई जाना था। हाँ सुबह सुबह न्यूज़ चल रही है, मंदिर पर योरो नाम लो नहीं है। हाँ जो सोच क्या लिया, जब पकड़ा तो लूँगा पापा, अगर पीछे पकड़ा तो सिर्फ पकड़ा इनको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और सुबह सुबह जब मैं पापा जी के पास गई तो पापा जी मेरे को हैप्पी बर्थडे विश किए, नींद में ही थे। और पापा जी भी सुबह उठ के न्यूज़ देख रहे थे, उस टाइम ही मैं गई थी। तब तक मम्मी भी उठ के आई और मैं मम्मी को भी प्रणाम वगैरह की, मम्मी भी मेरे को विश की हैप्पी बर्थडे टू यू मनीषा। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उठ गई है कि अभी सोई है? नींद लगाया। अब तो आज आपका फास्ट है, ठीक है गाइस। तो अब मनीषा पूजा कर और मम्मी पापा को प्रणाम करने के बाद यहाँ मैं आई पूजा रूम में। फिर पूजा रूम में आके मैं पूजा कर रही थी, पूजा करने से पहले सब कुछ साफ सुथरा करना, उसके बाद मैं पूजा कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है और डेली सुबह सुबह पूजा करना मज़ा आता है। फिर वहाँ पूजा करने के बाद मैं गई तुलसी माता के पास। बारिश हो रही है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। अभी रात के नहीं, अब सुबह के लगभग 5 बजे भी फाइनली कर दिया है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आगे मम्मी, मम्मी नींद ही में। गुड मॉर्निंग। So guys, it's almost 5 o'clock early morning. Stand वो टूट गया है, इतना मुझे लगता है। स्टैंड टूटने का इनको गम हो रहा है, अभी फ्री फायर खेल रहे थे थोड़ी देर पहले। सो फाइनली इट्स द टाइम टू कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पर अब केक काटने का सिलसिला शुरू हो गया था और केक दो बार काटना था। ये शाम सुबह का केक था जो हमने रात को 12 बजे काटना था, वो भूल जाने की वजह से सुबह 6 बजे कट रहा था और सभी लोग खुशियों में एकदम झूम उठे थे। और केक कटिंग का सेरेमनी कुछ इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर सबसे पहले बाबा जी को केक खिलाया गया क्योंकि घर के सबसे बड़े वही हैं। और उसके बाद से देखते हैं किसकी बारी आई है, मुझे तो याद नहीं, मम्मी खा नहीं सकती थी, मेरी बारी होगी पक्का क्योंकि मम्मी का फास्ट था। और केक काटने का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा, बहुत ही आनंदमय पल था। और रियली आज इन सारे वीडियोस को देख करके पुराने पल कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं और कितना खुशनुमा माहौल बिल्कुल
मस्त मस्त मगन हो रहे थे सारे के सारे लोग और बहुत अच्छा लग रहा था। की तरफ से सुबह सुबह ही तोहफा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे हम लोग पार्टी में कल जाएंगे तो इनको दोबारा कल एड्रेस पढ़ना पड़ जाएगा। थैंक यू। दिस इज द फेवरेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर मनीषा का, और ये मनीषा को मैं खिला रहा हूँ गिफ्ट। पकड़िए ये मेरे तरफ से गिफ्ट हो गया। ओ नो 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 नो, मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा। अरे मुंह बना रही है। नहीं अच्छा। गाइस ये देखिए, मम्मी को फोन करके पूछती है, और मनीषा की मम्मी को भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए मुंह खोली है। फास्ट है आप। इनका मुंह खुला है। तो मम्मी का फास्ट होगा ना जी? प्रणाम मम्मी। नहा लिए, 12 बजे केक काटना था तो हम लोग सो गए थे दोनों आदमी। और हाँ देखे। तो इसके बाद भी बहुत बार फोन करी थी और इन्होंने पिक ही नहीं किया फोन एक के पर। वेल गाइज, तो केक नंबर 1 कट चुका है मनीषा का बर्थडे का, और मनीषा आज पहली बार अपनी जिंदगी में केक काट रही है। कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर सब्सक्राइब मनीषा का बर्थडे गिफ्ट होगा, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके ये गिफ्ट मैं मांग रहा हूँ, मांगा तो नहीं आता लेकिन मैं मांग रहा हूँ, कीजिएगा हमारे लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और बस थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग लाइव भी आएंगे हम लोग, नहीं रात में नहीं आएंगे, दिन में आप लोगों से सबसे बात करने के लिए लाइव आएंगे, फिर शाम को तो शूट होता है ना, फिर बस देखते हैं उस समय भी अगर केक कटिंग टाइम हो पाया तो। केक कटने के बाद ना वो हम लोग लाइव आएंगे, तो दोपहर को भी हम लोग लाइव आएंगे। टाइम 10 से 11 बजे तक तो केक कट जाएगा। अभी मुझे बाहर भी जाना है पापा के साथ एक जगह, तो खैर एनीवेज गाइस आफ्टरनून 2 or 3 o'clock के आसपास हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।